मुस्लिम कम्युनिटी का आने वाले गणेश त्यौहार के जो शांति सभा है, ये शांति सभा के लिए सब जो आए आप सभी हमारे मुस्लिम भाइयों का मैं हमारी बसुकल्याण पुलिस की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी एक्चुअली मैं शायद आप फर्स्ट टाइम फील कर रहे होंगे कि शांति सभा में सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेकर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेपरेट कम्युनिटी मतलब हिंदू सेपरेट मीटिंग करे और मुस्लिम करे और दोनों मिलकर और एक बार करना था, वो अभी दो हो गए, परसों एक हो गया, अभी आज एक हो गया। तो इसका मकसद ये है कि अभी फ्री होकर आप बात करें, अगर दोनों था तो कहा था नहीं हम ऐसा करने वाले हैं पे एक्चुअली, तो पहले मन बना लेते कि क्या करना है बोलकर और उसको अपोज करते, तो वो नहीं होना बोल के हम यहाँ पे हमारे एडीजीपी साहब का ऑर्डर था, वो ऑर्डर के मुताबिक ये करें। और पर्टिकुलरली बीदर डिस्ट्रिक्ट में बसुकल्याण का इस बारे में थोड़ा कम्युनल सेंसिटिव है बोल के एक छाप पड़ गया। अब हमारे नवरंग साहब बोले कि 92 में सब तरफ आग लगी तो मगर बसुकल्याण में कुछ नहीं होगा, वो वैसा अमन का प्लेस, शांति का प्लेस, थोड़ा बोल रहे ना अभी कुछ एक हर एक कम्युनिटी में सिर्फ 100 में एक दो तीन लोग ऐसे लोग रहते कि वो पूरे 98 लोगों को खराब करते, तो वो प्रॉब्लम है कि वो दो लोगों को हम पिक चूज एंड पिक करना है, हमको निकाल के फेंक दिए तो ठीक हो जाता है, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको वो कौन खराब है हमारी नज़र से आपकी नज़र पक्का पहचानती कि ये खराब है क्या अच्छी है अभी पे, तो इसकी वजह से आपको बुलाए सारे बहुत से हमारे जो भाई लोग है जो लीडर है, बहुत से सजेशन दिए, बहुत बहुत बढ़िया सजेशन दिए, मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत नोट किया हूँ, इसके मुताबिक थोड़ा आपको इसके बारे में बात करता हूँ। ये थोड़े बहुत शराब बेचने के बारे में बात आई, शराब बैंक, आपको तो पता है कि डीसी साहब 11th डे प्रोसेशन के टाइम पे बसुकल्याण और भालकी दोनों तालुकों को शराब का क्लोजिंग दिए रहते, आपको पता है क्लोजिंग रहने वक्त जितना ओपन रेट पे सेल होता उससे डबल क्लोजिंग में सेल होता, वो उसके ही कुछ लिमिटेशंस है, अगर कोई स्टॉक कर दिया बिफोर वन डे स्टॉक कर दिया तो हम हमारे को अगर जानकारी मिले तो हम रेड मारते हैं, अगर वो नहीं हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके बारे में ये कर देते हैं। और हमारे बलकोनी साहब थोड़ा एक इनोसेंट्स के रोडी शिट के बारे में आप जो बोले पर्सनली मैं आपको वेरीफाई करता हूँ, परसों मीटिंग में भी ऐसा ही होगा, थोड़े बहुत ये होगा बोल के, उस टाइम पर हालात क्या थे हमको भी नहीं पता आपको भी नहीं पता, जब जो लोग करें वो गलत है बोल के मैं भी मानता नहीं, जैसे है देख के अगर उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट मिला तो हम एसपी साहब से बात करके उसके क्लोज के व्यवस्था कर देंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये दो मस्जिद को प्रॉपर बंदोबस्त करें तो ठीक रहता बोल के बोले, हम हमेशा करते और थोड़े बहुत सनदी सर रिटर्न में ट्रैफिक भी ऐसा कोशिश कर रहा ये मालूम होता है, तो जहाँ मेन प्लेसेस हैं वहाँ पर कैमरे इंस्टॉल किए जाए तो बेहतर होगा। और मोइन भाई ने एक बात कही कि जहाँ सेंसिटिव एरिया हैं, मिसाल के तौर पर क्या है जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद के पास ना जाने जो है हमारे भाइयों को क्या जोश आता है कि हर जो भी गणेश मंडली जाती है वहाँ से पास होती है फिर और वापस रिटर्न जो है वही पब्लिक रिटर्न वापस आकर जो है यहाँ पर गुलाल खेलती है और नाचने की कोशिश करती है। तो उससे पहले के भी PSI PPI जो भी बड़े बड़े अहदेदार थे वो जो है पकड़ कर लोगों को जो है आगे मुँह कराते थे, तो इस मरता भी इसी तरह से करें और वहाँ पर जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में जो है उनको खेलने ना दे, खेले लेकिन जो है उसका अदब एहतराम करें, क्योंकि मेरा मुल्क जो है तमाम हिंदुओं मुस्लिम सिख ईसाई तमाम का जो है मेरा मुल्क है, ये सबको जो अपने अपने त्यौहार मनाने का हक है, क्योंकि ये जो त्यौहार हुआ है ये त्यौहार दरअसल जैसा कि सर ने भी कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है 1894 में जो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत के पास ऐसा ग्रुप होकर कुछ मीटिंग करना कुछ बात करने नहीं देते थे, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो है हमारा ये त्यौहार है, ये त्यौहार के जरिए से लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा करने के वास्ते ये त्यौहार मनाना शुरू करें, तो वो पुनः से आज तक जो है हमारे दरमियान ये चलते आ रहा है। तो दरअसल असल में मसला ये हो गया कि हम जैसा पूना वगैरह बड़े सिटीज में दिन में जो है ये त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है होता यह है कि हम रात में जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें ज़्यादा जो है जो शरीर लोग हैं वो छुपने की कोशिश करते हैं, तो इसको अगर दिन में भी मनाया तो बहुत अच्छी बात होगी सर कि तमाम लोग जो है इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना बड़ा हमारा शहर है, तो शहर में जो है सुबह में अगर दिन में निकाले तो सभी लोग उसको जो है देख सकते हैं और सभी लोग इससे जो है फायदा उससे लाभ उठा सकते हैं। तो हमारी एक विनंती है हमारे हिंदू भाइयों से विनती है कि वो अपना जो गणेश मंडली है वो डे में निकाले। फिर दूसरी चीज़ ये है
कि हम इस वक्त जहाँ हमारे भाई जो है ये सरोज गणेश मंडली निकालते हैं, अभी सर ने भी कहा कि जो है हमें उन्हें वेलकम करें या जो है दूध या कहीं अपना पानी वगैरह पिलाकर इस तरह से गुलकुशी कर कर जो है उनको हम भाईचारे की जो है एक मिसाल कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इतना है, और ख़ास तौर पर ये जो मसाजिद हैं जो हमारे मस्जिद हैं, मस्जिद के सामने जो है बैरीगेट्स लगाए जाए, पुलिस की गाड़ी भी लगाया जाए या नहीं से कम बैरीगेट्स लगा कर जो है उनको पास करने की कोशिश की जाए तो वो भी सुकून से पास हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम कोशिश करें तो जो है ये हो सकता है, लेकिन उस वक्त